नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सनी देओल की मूवी कदर 2 के बारे में और उसी के साथ चर्चा करेंगे हम रणवीर कपूर की मूवी एनिमल्स के बारे में। देखा जाए दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये दोनों मूवी एक साथ रिलीज हो रही हैं। वहीं एक फिल्म क्रिटिक्स हैं बहुत बड़े, उनका ये कहना है कि सनी देओल की गदर 2 रणवीर कपूर की एनिमल्स मूवी के सामने नहीं टिक पाएगी। हालांकि सनी देओल के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है जब सनी देओल की मूवी को लेकर के उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्तों। देखा जाए तो सनी देओल की 1990 में जब घायल मूवी रिलीज़ हुई थी तो उसके सामने रिलीज़ करी गई थी आमिर खान की मूवी दिल, और देखा जाए ये दोनों की दोनों मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। और फिर सनी देओल की एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज़ होती है 1996 में घातक, और घातक मूवी के सामने रिलीज़ करी जाती है आमिर खान की मूवी राजा हिंदुस्तानी। हालांकि देखा जाए राजा हिंदुस्तानी मूवी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, लेकिन सनी देओल की भी घातक मूवी सुपर डुपर हिट रही थी दोस्तों। और देखा जाए सन 2001 में भी यही हुआ था जब सनी देओल की मूवी कदर रिलीज़ होती है तो उसके सामने रिलीज़ होती है लगान मूवी। हालांकि देखा जाए लगान मूवी ब्लॉकबस्टर हिट जरूर साबित हुई थी, लेकिन सनी देओल की जो मूवी कदर थी इसने बॉक्स ऑफिस में तो कदर मचाया ही था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। और देखा जाए उस मूवी को देखने के लिए लोगों की लाइन लगा करती थी, और इस बात का खुलासा खुद आमिर खान ने भी किया था। उनका भी यही मानना था कि उनकी मूवी के सामने गदर मूवी रिलीज जरूर हो रही है, गदर मूवी अच्छी है, लेकिन उनको भी ये नहीं मालूम था कि गदर मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो जाएगी। और देखा जाए फिर सनी देओल के साथ यही गेम फिर से खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए उनकी मूवी फिर से गदर 2 रिलीज़ हो रही है, और देखा जाए 11 अगस्त को एनिमल मूवी रिलीज़ हो रही है, और हाल ही में अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 मूवी की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या कहीं साजिश तो नहीं चल रही है कि सनी देओल को पीछे ढकेलने की? क्योंकि जब जब सनी देओल की कोई ना कोई बड़ी मूवी आती है तो उसके सामने कोई ना कोई बड़ी मूवी रिलीज़ कर ही दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जिस हिसाब से गदर 2 की हाइप बनी हुई है, गदर 2 देखा जाए बुक माय शो में भी नंबर 1 चल रही है मूवी, लेकिन देखा जाए तो अब जब हर जगह ये मूवी नंबर 1 चल रही है, ये कहने फिल्म क्रिटिक्स हैं एक वो ये कहने लगे हैं कि ये टिक नहीं पाएंगे इस तरीके के बारे में, गदर 2 के बारे में कुछ अफवाहें फैलाने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या सामने गदर 2 उसी तरीके से धमाल मचा पाएगी कि नहीं जिस तरीके से गदर मूवी ने लगान मूवी के सामने धमाल मचाया था? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और सनी देओल से जुड़ी या उनकी मूवी से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।